भाई हमारी गाड़ी अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई है, निशान निशून कोई नहीं है, ठीक है, पीपीएफ उतारी है भाई ने तो नीचे से क्लियर है। ये मैंने बटन दबाया है और जरा ये चेक करना भाई साहब, पूरा होम थिएटर नीचे आ रहा है भाई। इतने पैसे असल में थे नहीं वरना मैं ये लाजमी लेता। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। अभी जो है आपका भाई पूरा का पूरा कमरा जो है वो साफ करके हटा है, बड़ी मेहनत की है मैंने, ठीक है, बिस्तर विस्तरे सारे साफ किए हैं, ठीक है, सारी मैंने जो है फ्लोरिंग साफ की है। तुम क्या देख रही हो भाई? झूठा, बीमारी में मैंने सारा कुछ उठ के साफ किया था। गजब डूबी बाज आदमी। भाई मजाक करूं, रूप को मैंने बोला भी था कि यार तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम्हें क्या शौक चला हुआ है यार कमरा शमरा साफ करने का, इसने जो है ना पूरा चमका के रख दिया। तबीयत कैसी है भाई? बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी ली थी सुबह उठ के मेडिसिन, अब मैं फ्रेश हूं काफी बेहतर। तो एनीवेज वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने टक्की भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया वो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। अभी जो है ना हमें देखने जानी है अपनी ई-ट्रॉन। वापस आ गई है वो? नहीं मतलब वापस नहीं आई, अभी रैप उतरा है और वो बस कह रहे एक बार आके देख लो। तो क्या ज्यादा नुकसान हो गया? नहीं नहीं मतलब बचत हो गई है, बॉडी पे कुछ नहीं हुआ, स्टिकर पे ही कुछ हुआ है, बस वो अब स्टिकर जो है रिप्लेस, वो एक बार कह रहे कि आके देख लो ताकि मैं उसके ऊपर स्टिकर चढ़ाऊं। चलो अल्लाह का शुक्र है, तो फिर चले जाओगे? तो तुम भी आ जाओ, कोई मसला नहीं, कुछ खा पी भी लेंगे ना, बाहर फिरोगी तो सही होगी। घर के अंदर बैठे रहने से कुछ नहीं होना भाई, बात तो सही है। इसका क्या करना है भाई? ये मैं सफाई के लिए ले पा रही हूं, अभी वैक्यूम रहता था। रूप इतना भी नहीं, अब लेट हो रहे ना, बाद में कर लेना यार। रुको मेरे माइंड में एक शुगल आया है। क्या? एक शुगल आया है मेरे माइंड में एक। तुम्हारे पास पोनी है बालों में बांधने के लिए? पोनी एक शुगल लगाना है रूप, शुगल लगाना है। मुझे समझ आ गया तुमने क्या करना देती हूँ। आए 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 भाई, देखते काम करता है कि नहीं। भाई पोनी का हमने लगा देना वैक्यूम क्लीनर के इधर। अब तुम वैक्यूम क्लीनर जो है ना मेरे बालों के ऊपर करना, ठीक है, ऐसा करके, और फिर पोनी बना देना रूप, शुगल लगेगा भाई। पागल हो गया, फोन करो Later। और हंस किस चीज कर रहे हो भाई? हंस किस चीज कर रहे हो भाई? पोनी बना दो। हाँ यार क्या कर रही हो? पोनी यहीं पे थी। ओए पोनी अंदर चले गई है। पोनी अंदर चले गई है रूप। अच्छा बोला, हमारा प्लान चौपट हो गया यार। सुन लो इसको, तुम्हारी पोनी आया हो गई 50 रुपए वाली। पोनी उससे से निकालो, मेरी महंगी पोनी थी वो। अरु बाल मेरे कल चले जाने हैं, ठीक है, तो मैंने कहा मजे ले लूं पहले बालों के साथ। भाई शुगर मेला फेल हो गया हमारा यार। खैर अभी निकलते हैं, ठीक है, ऑडी चेक करते हैं हमारी कैसी लग रही है। अब हम लोग बाहर जा ही रहे हैं, तो हम लोग जो है ना यहाँ पे जो गेमिंग रूम का जो फर्नीचर आएगा ना, जो सारा सेटअप आएगा, वो भी जो है ना देखने चले जाते हैं। मैं देखूंगी अपनी मर्जी का फर्नीचर। हाँ हाँ तुम अपनी मर्जी का देख लेना, खरीद मैं अपनी मर्जी का लूंगा भाई। आओ जी। एक बार गाड़ी देख लो, फिर सुकून से बैठ के कहीं से खा लेंगे, ठीक है। अभी सीधा जो है ना देखने चलते हैं गाड़ी, देखते हैं क्या सूरत हाल है भाई। तुम ही बैठो, मैं गाड़ी देख के आया भाई, ठीक है। तो भाई ये रही हमारी गाड़ी। भाई शोरूम तो खाली हुआ है, कोई बंदा ही नहीं है। भाई हमारी गाड़ी अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई है, निशान निशून कोई नहीं है, ठीक है, पीपीएफ उतारी है भाई ने तो नीचे से क्लियर है। एक निशान आगे भी था, ठीक है, वो भी जो है वो फुली। हाँ बस ठीक है भाई, लेवल हो गया भाई, साफ सुथरी। पीपीएफ का फायदा हो गया, वरना तो मुझे था पता नहीं क्या हो गया होगा। उस स्टिकर उतारा ना तो साफ सुथरी थी नीचे। गाड़ी ले जाए फिर? नहीं अभी पीपीएफ उतरी, दोबारा लगाएंगे। अच्छा पीपीएफ लगेगी दोबारा? जी सर। अभी जो है ना भाई ने कहा था कि हमने पीपीएफ उतार दिया, आप एक बार आके देख लो गाड़ी, अल्लाह का शुक्र है चमकती हुई साफ सुथरी है। अंदर से भी देख लेते हैं, चाबी है? नहीं खुली हुई है, खुली हुई है, खुली हुई है। क्या बात है भाई, पहले मुझे दिल कर रहा है कि यार गाड़ी बेच दूं, ठीक है, लेकिन आप जो है ना मुझे रखने का दिल कर रहा है। पूछा मैंने कुछ भाई? एक गाड़ी ये भी है भाई, BMW i7। आपके भाई के पास जो है ना इतने पैसे नहीं है, वरना मैं ये ले लेता लाजमी। ये भी इलेक्ट्रिक है और फुल जो है ना फुल साइज सेडान है, लग्जरी तरीन। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ अंदर से। भाई गाड़ी चेक करो एक बार, एम्बियंस देखो बस, और सीटें भी कंफर्टेबल है। हमारी वाली जो है ना वो ई-ट्रॉन जो है वो स्पोर्ट्स कार है, ये जो है ना ये वाकई कार है, मतलब बंदा चलाए, ठीक है, शुगल इधर उधर जाए दफ्तर अपने। क्या बात है भाई, बहुत कंफर्टेबल जो है ना, इसकी सोफे वाली सीट्स हैं कमाल तरीन। और भाई आगे का इंटीरियर तो BMW i7 का कमाल है ही। अब मैं तुम लोगों को जो है ना मेन गेम दिखाता हूँ, जो कि है पीछे। इस गाड़ी की गेम ही पीछे की है भाई, तुम लोग सिर्फ ये चेक करना। ये मैं बैठा हूँ, ये मैंने बटन दबाया है, और जरा ये चेक करना
भाई साहब पूरा होम थिएटर नीचे आ रहा है भाई। भाई इतनी बड़ी स्क्रीन जो है पीछे पैसेंजर के लिए जो है ना इन्होंने दी हुई है, क्या बात है यार। भाई मैं तो गुर्दे पिट्ठे भेजने को तैयार हूँ, ये गाड़ी लेनी है भाई। क्या बात है, इतने पैसे असल में थे नहीं वरना मैं ये लाजमी लेता। तो इस गाड़ी की जो है ना गेम ही सारी पीछे बैठने की है भाई। भाई देखो इसी बटन को अगर मैं दोबारा दबा दूंगा ना वो स्क्रीन चले गई है वापस। ये पूरा जो है ना होम थिएटर सिस्टम है पीछे। हाय 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 हाय। और भाई एक गाड़ी है ये है LC 300 लैंड क्रूजर। तुम लोग ऐसा समझो कि आपके भाई के पास जो है ना थोड़े पैसे कम थे इसलिए मैंने फॉर्च्यूनर ले ली, वरना अगर पैसे होते अगर इतना बजट होता तो मैं ये LC 300 लैंड क्रूजर लाजमी लेता। क्या स्पेस है इस गाड़ी के अंदर, क्या कंफर्ट है इस गाड़ी के अंदर, लग्जरी है ठीक है, ड्यूरेबल है, कमाल गाड़ी है भाई। बंदे के पास एक गाड़ी हो और ऐसी हो, देखो पीछे घर है पूरा। पुरानी वाली लैंड क्रूजर जो है ना मुझे इतनी कोई खास पसंद नहीं थी क्योंकि वो थोड़ी मुझे पुरानी लगती थी। V8 जो है डंडे वाले हैंड ब्रेक और ये अब थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक आ गया है ठीक है, तो ये थोड़ा जो है ना सिस्टम काफी जो है ना बेहतर हो गया है। लेकिन अभी पैसे पुसे नहीं है ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन लाजमी जो है ना BMW i7 या LC 300। बाकी e-tron भी जो है ना हमारी हो गई है बेहतरीन। पहले मेरा माइंड था कि मैं उसको बेच दूं ठीक है, लेकिन अभी स्टिकर उतरने के बाद जब साफ सुथरी है ना तो फिर मुझे जो है ना अब रखने का दिल कर रहा है भाई। लोग नीचे कमेंट में बताओ कि बेच दें या रखें, क्या करें भाई। रुक तेरे को बता, साफ सुथरी है गाड़ी भाई, अब तो मेरा बेचने का दिल ही नहीं कर रहा। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद जो है ना मिलेगी क्योंकि अभी स्टिकर उन्होंने वापस लगाने उस पे। A few moments later. अभी हम लोग जो है रूम के लिए फर्नीचर वगैरह देखने आए हैं, कैसा लग रहा है भाई? प्यारा है। बहुत प्यारी चीजें हैं भाई इनके पास ठीक है, ये पूरा उनका सिटिंग एरिया। लेकिन हमारा तो गेमिंग रूम है यार। गेमिंग रूम में देखो लाइटें इस तरह की होनी चाहिए, ये थोड़ा गेमिंग लग रहा है, एंटरटेनमेंट है ना। वॉल देखो, वॉल कितनी अच्छी है। इसके अलावा ये एक सिटिंग एरिया है ठीक है, लेकिन हमारे पास जो रूम है ना उसमें इतनी जगह नहीं होगी। इस तरह की जगह रख सकते हैं वो जहाँ पे कंप्यूटर का डेस्क पर है उसके पीछे जितनी जगह है, इस तरह की अगर हल्की सी स्पेस हो। ये रूम तुम्हारे पास बहुत जगह है, पूरा कमरा तुम अपना मल के रखा हुआ सारा, अपनी मर्जी का कमरा करवा के फीमेल वाला। चल झूठा, ये देखो ये कितना अच्छा है ये स्पेस, शैंडेलियर के साथ ऊपर कैंडल शैंडेलियर है और ये यहाँ पे स्पेस है, ये भी अच्छा लग रहा है। रूम इतनी तो जगह ही नहीं है ना, हमारे पास एक कमरा है जहाँ पे गेमिंग रूम है, एक टेबल आएगा ठीक है, स्पाइडरमैन के पोस्टर लगे होंगे, सुपरमैन का पोस्टर लगा होगा, बैटमैन का पोस्टर लगा होगा ठीक है, और हमारा कमरा डन हो जाना है। प्लीज नमूना कमरा ना बनाओ उसको। रूम कमरा एक तुम्हारे पास वैसे भी तो है ना, उसका बेडरूम एक तुम्हारे अपने मर्जी का रखा है, वो देखो स्पाइडरमैन मिल गया हमें भाई। देखो इसको स्पाइडरमैन के कपड़े पहना के जो है कमरे में रखा हो कितना फिट लगेगा भाई। स्पाइडरमैन देखो, मैंने स्पाइडरमैन रखा भी हुआ अपने पास। तो हमने जिस तरह का रूम बनाना है ना वो तो हमने गेमिंग रूम बनाना ना है। जो गेमिंग रूम है उसको गेमिंग रूम रहने दो, बेडरूम को बेडरूम रहने दो, और टीवी लाउंज को टीवी लाउंज रहने दो। फिर तुम वो सब कुछ करोगे अगर तो मुझे बेडरूम को फिर पिंकिश कर दे दो। वो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं तुम्हें गाड़ी गिफ्ट नहीं करता, तुमने उस पे पिंक कर देना, उसको पूरी गाड़ी को पिंक रैप चढ़ा देना, इंटीरियर भी पिंक कर देना ठीक है, और गाड़ी जो है वो गे लगेगी भाई। फर्नीचर वगैरह हम लोगों ने देख लिया ठीक है, आइडिया हो गया काफी हद तक, लेकिन हम लोग तो भाई डार्क थीम ब्लैक कलर का सुपरमैन उड़ रहे हैं, उस तरह का थीम चाह रहे हैं ना हम तो। नहीं यार अभी जो है ना रोटी रोटी खाने चलते हैं ठीक है, सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ भाई, क्या खाना है भाई? कुछ भी कौन सी डिश है? 20 minutes later. तो खाना शाना हम लोगों ने मंगा लिया ठीक है, पिज्जा है साथ, लैम्ब और राइस जो है ना बड़े मजे की रहना है। कैसा है पिज्जा भाई? मजेदार। यहाँ पे तो रोटी रोटी चल रही है ठीक है, लेकिन आपके भाई ने जो है ना एडिटिंग का अड्डा खोला हुआ है, व्लॉग आ जाना चाहिए, रोटी रोटी बाहर में गई यार। क्या बात है सर, कच्चा चिकन के बगैर वाला पिज्जा। पूछा मैंने कुछ, रोटी रोटी खा के फारे हो गए थे। यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, जो है ना दोबारा बुखार हो रहा है, तो मैंने कहा व्लॉग एंड कर लेते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डकी बेल व्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल। ओका फिर।